नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं बड़ी चर्चा। कोरोना के अलग अलग रूप और उसके बदलते स्वरूप ने लोगों के साथ वैज्ञानिकों और बड़े बड़े डॉक्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे कोरोना के नए रूप यानी डेल्टा प्लस की। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की सलाह भी दी है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों से सामने आए हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है और इसकी जांच कैसे की जाती है, क्या जो लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से सुरक्षित हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ कई डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे। तो लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो घातक साबित होता जा रहा है, क्योंकि दूसरी लहर हमने देखी तो जैसे कि हमने दूसरी लहर देखी और उस तरह से खतरा जिस तरह से था, तो वही डेल्टा प्लस को लेकर भी चिंताएं बढ़नी लाजमी है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त डॉक्टर राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार हम आपसे ये जानने का प्रयास करते रहे हैं डॉक्टर राजेश, की दूसरी लहर में भी आपसे कई चीजें जानकारी प्राप्त हुई, तो डेल्टा प्लस वेरियंट कितना घातक है, क्योंकि और राज्यों में और ये कितना घातक साबित हो रहा है। कीर्ति जी, डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस अभी देश के 6 राज्यों में आ चुके हैं। और मैं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बता दूं कि जो अल्फा वेरिएंट था जिसमें B.1.617 म्यूटेशन हुआ था, B.1.617.2 म्यूटेशन जो हुआ था ये ओरिजिनल वुहान वायरस में हुआ था, जिसकी वजह से इसको एक इन्होंने ब्रिटेन में जो वेरियंट था जिसको हम लोगों ने यूके वेरियंट नाम दिया था, ये था। तो जो हमारे भारत में डबल म्यूटेंट वायरस था उसको उन्होंने डेल्टा वेरिएंट नाम दिया जी। जो डेल्टा वेरिएंट में एक और म्यूटेशन हुआ NK.1.7.6, तो ये जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन ने क्या किया कि इस वायरस की जो इम्यून एस्केप पावर थी, इम्यून सिस्टम को चकमा देने की जो क्षमता थी उसको बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से एक जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन है ये देश के 6 राज्यों में अभी तक डिटेक्ट हुआ है। और ना सिर्फ हमारे देश में ये डिटेक्ट हुआ है, बल्कि जैसे मैं बात करूं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट था जी, तो जो डेल्टा वेरिएंट था वो भी विश्व के कई देशों में आ चुका है भारी मात्रा। जो लॉकडाउन है उसको दोबारा से इनिशिएट किया है या रिस्ट्रिक्शन दोबारा से लगाए हैं। स्थिति है डॉक्टर राजेश, किस तरह की स्थिति देख पा रहे, क्योंकि लगातार आप ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी आया है और विदेशों में भी ये इसकी स्थिति घातक हो रही है, किस तरह के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं जी। जो ओरिजिनल सेकेंड वेव आई थी, जो भारत में जो सेकेंड वेव आई थी अभी जल्दी में, ये वायरस बिल्कुल वैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा खास परिवर्तन नहीं है उसके लक्षणों में। जैसे पुराने वायरस के लक्षण थे बिल्कुल वैसे ही लक्षण है, प्राइमरली आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और जिसकी वजह से पेशेंट्स का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि ये जो नया वायरस है ये आपके इम्यून मैकेनिज्म को और तेजी से चकमा देने में समर्थ है। तो इस वजह वो पहले से बढ़ सकते हैं और एक नई वेव आ सकती है, एक नया जैसे बोलते हैं लहर आ सकती है कोरोना की। हो सकता है कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है डॉक्टर राजेश, क्योंकि लगातार ये अनुमान लगाना कि दूसरी लहर में हमने कई लोगों की जाने हमारे सामने गई, तो उसके बाद अब कितना और ज्यादा घातक, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए क्या जो स्थिति होने वाली है उसके लिए क्या हम तैयार हैं। कीर्ति जी, हमारा जो रिस्पॉन्स है जो वायरल इन्फेक्शन में होना चाहिए था, जिस प्रकार से हमने देखा कि सेकेंड वेव में हमारे यहाँ बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की कमी हुई, हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ी, और इसकी वजह से क्योंकि संसाधन सीमित थे और नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बहुत सारे आ गए, इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हम बेसिक मेडिकल केयर दे के या सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट दे के जिनकी जानें बचाई जा सकती थी उनकी भी जानें हम नहीं बचा पाए। तो कमोवेश जो वही स्थिति है, जो नया स्ट्रेन आ रहा है डेल्टा प्लस स्ट्रेन,
अगर सस्टेन, अगर इसकी एक नई वेव आती है, नई लहर आती है, तो जैसे सेकेंड वेव में हुआ था, हम ज्यादातर उसी सिस्टम है वो अभी भी वैसा ही है। हेलो जी डॉक्टर राजेश, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो इसको ठीक करने के लिए कीर्ति जी, बड़े पैमाने पे हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए। हो सकता है कि जो अभी 6 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आना शुरू हुए हो, ये बिल्कुल एक नई शुरुआत हो। जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था कि जो सेकेंड वेव आई थी, उसके पहले से ही महाराष्ट्र में उनमें केसेस का नंबर बढ़ना शुरू हो गया था। तो जब भी केसेस का नंबर बढ़ता है या जब भी इस प्रकार से नया वेरिएंट आता है, हमारी पॉपुलेशन में बड़े पैमाने पर आना शुरू हो जाता है, देश के कई राज्यों में मिलना शुरू हो जाता है, तो एक प्रकार से ये खतरे की घंटी होती है जो हमें बताती है कि हाँ, एक नया वेरिएंट वायरस का पॉपुलेशन में आ चुका है और वो बहुत तेजी से। हेलो, हेलो। जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर राजेश, जिस तरह से आपने बोला कि दूसरी लहर में हमने जो सिम्टम्स देखे, उसी तरह से रिलेटेड सिम्टम्स ही इसमें भी नजर आएंगे, यानी कि खांसी, जुकाम, बुखार, इसी तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं तो इस पर हमें तुरंत तत्काल प्रभाव से जांच करवानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेश, अभी जांच ओपन भी नहीं हुई है, जिस तरह से दूसरी लहर में जांच की जा रही थी बड़े स्तर पर, फिर डेल्टा प्लस का वेरियंट आ गया है, लेकिन जांच को ओपन नहीं किया गया है, बड़े स्तर पर जांचें नहीं हो रही हैं इसकी। कीर्ति जी, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अगर डिफरेंट वेरिएंट्स की बात करें, जिसमें हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न की, क्योंकि कोरोना वायरस में अब तक लगभग 10,000 से ज्यादा म्यूटेशन डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं जिनको हम वेरिएशन ऑफ कंसर्न बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा म्यूटेंट जो एक नई लहर पैदा करने की क्षमता रखता है। जी तो ये सिर्फ जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू पता चल पाता है, और जीनोमिक सीक्वेंसिंग का काम अभी उत्तर प्रदेश में बहुत लिमिटेड लैब्स में हो रहा है, और क्योंकि एक सैंपल अगर आप आज देते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, तो उसकी रिपोर्ट आने में 4 से 6 दिन का वक्त लगता है। तो बाय द टाइम आपको ये पता चलता है कि जो सैंपल आपने भेजा था वो म्यूटेंट वायरस का वेरियंट है, एक नया स्ट्रेन है, तब तक उस वायरस फैलने का मौका मिल चुका होता है, और ये बड़ी भयावह स्थिति होती है। राजेश, आप जिस बोले तरह सुन से आप पा रहे कह हैं? रहे हैं कि 3 से 4 दिन का वक्त, तो बिल्कुल बहुत बड़ी ये चिंता की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 3 से 4 दिन व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस को संक्रमित कर रहा है, इसका डाटा तो किसी के पास होगा भी नहीं। सुनते जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति में जब आपको ये नहीं पता कि वायरस किस दिन कौन सा नया स्वरूप बदल के आएगा, तो बेहतर यही होता है कि जब आंकड़ों की संख्या कम होनी शुरू हो जाए, तब भी जनता जो बेसिक प्रोटोकॉल है, जिसमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो मास्किंग है, मास्क पहन के रखें, और जो अननेसेसरी गैदरिंग्स है, आउटिंग्स है, उसको अलाउ करें, उसको ना अलाउ करें। तो कुल मिला के हमारा जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पूरी तरह से पालन करके रखना चाहिए, और जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो रैंडम स्पेशली मैं बात करूंगा ऐसे लोगों की जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो तो दूसरे दूसरे राज्यों राज्यों से आने वाले जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन है, या जिसे मैं बोलूंगा एक राज्य से दूसरे राज्य का जो आवागमन है, उसमें जो आने जाने वाले हैं, खासकर वो जो 6 राज्य हैं जिनमें वहां से आने जाने वाले लोगों की रेगुलर जांच होनी चाहिए और उनका एक प्रकार से जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके देखा जाना चाहिए कि उसमें कितने लोग ऐसे थे जिनमें म्यूटेंट बिल्कुल डॉक्टर राजेश, ये जरूरी भी हो गया है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में टेस्ट में 4 से 5 दिन लगते हैं, तो ये सुनिश्चित करना और उन लोगों को अलग क्वारंटाइन करना भी बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि केसेस अभी तक फिलहाल 50 मामले डेल्टा प्लस के सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं इससे हटकर अगर मैं दूसरी वेव की बात करूँ, डेल्टा की वेरियंट की जिसमें बात हो रही थी जब दूसरी वेव आई थी, तो उसके जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स है वो काफी ज्यादा लोगों के अंदर डॉक्टर राजेश देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसी के सर में दर्द, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, कंसंट्रेशन तक की लोगों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे जिनको सेकेंड वेव में कोरोना हुआ था, तो ये जो पोस्ट कोविड दिक्कतें हैं लोगों को, वो उससे कैसे डील करें? देखिए, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, या जिसे हम पोस्ट कोरोना सिंड्रोम बोलते हैं, ये बेसिकली कई सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें, क्योंकि कोरोना की वजह से जो आपका सिस्टम होता है वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जिस पेशेंट में आया होता है, या जिसका भी लंग इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट होता है, उसमें सिस्टमिक इन्फ्लामेशन, एक जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। तो इसकी वजह से उसके
इसे मैं बोलूंगा मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हम इसे बोलते हैं। अगर हम बेसिक पैथोफिजियोलॉजी में जाएं कि कोरोना किस प्रकार से आपके शरीर के साथ इंटरेक्शन करता है, तो हम देखेंगे कि कोरोना की वजह से जो हमारी स्मॉल टू मीडियम साइज ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब छोटी और बहुत छोटी जो खून की नलिकाएं होती हैं, उनमें वैस्कुलर इन्फ्लामेशन हो रहा था, इसको हम वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन किस हिस्से की वैस्कुलाइटिस होती है, वहाँ की ब्लड वेसल्स के क्लॉट होने की संभावना होती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें दिमाग के अंदर की, अगर छोटी छोटी खून की नसें ब्लॉक हो जाए किसी स्पेसिफिक एरिया की, तो उस एरिया की कार्य क्षमता में परिवर्तन आएगा और वो व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है उसमें भी परिवर्तन आएगा। तो आप ठीक कह रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को कोरोना के बाद बहुत अजीब से सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के कंप्लेंट्स हो रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को इस प्रकार से हेडेक रह रहा है, कुछ कुछ लोगों को अनएक्सप्लेन सिलेक्टिव प्रॉब्लम हो रही है मेंटल फैकल्टी में, कुछ लोगों को याददाश्त से संबंधी समस्याएं हैं, कुछ लोगों को अक्सर जब भी वो तेज काम कर रहे हैं तो उनको फिर से धड़कन महसूस हो रही है या उनकी जो सांस की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जा रही है, इसको हम लोग टैकी एरिथमियाज कहते हैं। ये कार्डियक पेशेंट्स में दिख रहे हैं। कई सारे पेशेंट्स में आपने देखा होगा कोरोना से ठीक होने के कई हफ्तों बाद भी उनको हार्ट अटैक आया। इसकी भी एक वजह यही है कि स्मॉल टू मीडियम साइज जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो क्लॉट हो जाती हैं तो उसकी वजह से हृदय के किसी हिस्से को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है और ये हार्ट अटैक का एक रीजन बनता है। इसी तरह से हम देखते हैं कई सारे बच्चे होते हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के, उनमें कोरोना के बाद से जो कुछ सिस्टमिक इन्फ्लामेशन वाले फीचर्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोरोना टोज, मतलब उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में रेडनेस आना, ये भी सिम्टम्स आते हैं। तो कुल मिला के जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो आपके सिस्टम में होता है एक बार, तो उसके जो आफ्टर प्रकॉशंस होते हैं, जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और बाकी सबको जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनको गुजारिश करूंगा कि आप स्वयं इसका कोई इलाज करने का प्रयास ना करें, किसी भी अच्छे काबिल डॉक्टर से मिल लें, उससे समझ लें कि आपके सिम्टम्स पोस्ट कोविड सिंड्रोम के सिम्टम्स तो नहीं है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं जिनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत कॉमन हुआ है। अब अगर हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करते हैं कीर्ति जी, तो एक तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो इमीडिएट पोस्ट कोरोना फेज में बहुत ज्यादा मिला, इसको हम लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं या फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। दूसरा ही एक प्रकार का इन्फेक्शन कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कीर्ति जी, जिसमें सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली की रिपोर्ट थी, उसमें पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में साइटोमिगेलो वायरस CMV वायरस का इन्फेक्शन बढ़ गया था और इसकी वजह से उन लोगों में टट्टी के रास्ते पर रेक्टल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ गए थे और कुछ पेशेंट्स बहुत हैवी रेक्टल ब्लीडिंग लेके आए थे जिसकी वजह से वो एक्सपायर भी हुए। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इनमें से कुछ वजह तो वो हैं जो स्वयं कोरोना वायरस की वजह से हैं, साथ में कुछ वजह ऐसे हैं कीर्ति जी जो कोरोना में जिस प्रकार से हमने जिसे बोलते हैं गलत तरीके से मिस यूज किया कुछ सर्टेन मेडिकेशन का, जिनमें स्टेरॉइड है, विटामिन सी है और भी मेडिकेशन है, तो कुछ हमें साइड इफेक्ट वो जो अननेसेसरी नॉन यूजफुल यूज था मेडिकेशंस का उसकी वजह से भी मिलता है। तो ये देखने वाली बात है कि कोरोना वाला पेशेंट या कोरोना से ठीक हुआ कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की कंप्लेन कर रहा है तो उसको ठीक प्रकार से सुना जाना चाहिए, उसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दिक्कतें लोगों के अंदर लगातार उत्पन्न हो रही है पोस्ट कोविड, लेकिन हम दूसरी वेव की बात कर जी खास बात ये है कीर्ति जी कि पोस्ट कोविड सिर्फ आपके बॉडीली फंक्शन में सिम्टम्स नहीं हो रहे, मतलब शारीरिक प्रक्रियाओं में ही चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को मानसिक स्तर से भी। बिल्कुल, मैंने यही बोला डॉक्टर राजेश के कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, कई ऐसे लोग हैं जो उनको कंसंट्रेट करने तक में दिक्कत आ रही है। जो कोरोना के ठीक होने के बाद अब अगर वापस पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो पोस्ट कोविड डिप्रेशन या जैसे मैं बोलूंगा पोस्ट कोविड सब क्लिनिकल डिप्रेशन, ये भी एक प्रकार से लोगों के मानसिक कार्य क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है और इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, क्योंकि कंसंट्रेशन में भी दिक्कत आ रही है लोगों को और अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो वो पहले जिस लाइफ स्टाइल में जीते थे उसको अब्सॉर्ब करने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ रही है। तो अब डेल्टा प्लस को लेकर कौन सी ऐसी तैयारियां हम लोगों को करने की अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि हम ये निश्चित होकर नहीं बैठ सकते कि नहीं अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो हम निश्चित होकर बैठ जाएं और डेल्टा प्लस को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अभी ही जरूरी है कि डेल्टा प्लस के लिए वो तमाम तैयारियां कर ली जाए, तो किस ओर अग्रसर होना जरूरी होगा अभी फिलहाल की क्या तैयारियां की जानी चाहिए? जी मुझे लगता है कीर्ति जी डेल्टा प्लस वेरिएंट जिस प्रकार से देश के 6 राज्यों में मिल चुका है, कोई बड़ी बात नहीं कि कोई दूसरी अभी एक दो हफ्ते में जीनोमिक सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि देश के 20-22 राज्यों में पहुंच चुका है।
जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोरोना वायरस एक नया वायरस है, एक बायोलॉजिकल वेपन है, लैब में लीक हुआ वायरस है, तो किस प्रकार से बिहेव करेगा पब्लिकली या इन जनरल समाज में किस प्रकार से बिहेव करेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस प्रकार से इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो आगे भी संभावना है कि हो सकता है एक या दो लहर अभी और कोरोना की आए, और जी जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम परेशान हो, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन ये जो चीजें हैं, आने वाले 1-1.5 सालों में सेटल हो जानी चाहिए। फिलहाल जो अभी हमारी प्रेजेंट स्थिति है, उससे बचने का सबसे सही तरीका यही है कीर्ति जी, कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। अगर हम पब्लिक प्लेसेस में हैं, क्राउडेड प्लेसेस में हैं, तो हमें मास्क पहन के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, और जरूरत ना हो, गैर जरूरी हो अगर, तो घर से ज्यादा बाहर निकलने का प्रयास ना करें। सरकार को भी चाहिए कि जो गतिविधियां हैं, जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि हमें पता था कि एक नया वेरियंट आ रहा है, हमारे पास खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी हमने जो चुनाव है, ग्राम प्रधानी के चुनाव, उनको होने दिया, जी और एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। उसी तरह से मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट इकोनॉमिक चीजें हैं, उनको तो चलने देना चाहिए, लेकिन जो गैर जरूरी चीजें, जैसे चुनाव हो गया उत्तर प्रदेश में, जैसे हम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उसको भी कम से कम 1.5 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए, और 1.5 साल तक कोई चुनाव की बात ना करके सारा का सारा ध्यान जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर 1 लाख की पॉपुलेशन पे कम से कम 30 ऑक्सीजन बेड होने चाहिए और कम से कम 3 वेंटिलेटर होने चाहिए। तो जब तक हम एक इन चीजों को, पैरामीटर्स को असेस नहीं कर लेते हैं, बना नहीं लेते अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब तक हम भगवान भरोसे रहेंगे। और वैक्सीन के बारे में एक बात और कह दूं कीर्ति जी, कि जी वैक्सीन द्वारा जो दी गई इम्यूनिटी है, वो 3 से 6 महीने में समाप्त होने की पूरी आशंका रहती है, क्योंकि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वो भी उसी समय में मैं खत्म इसी होती पर है। आने वाली थी तो डॉक्टर सिर्फ आंख राजेश, मुंह पे, कहीं ना कहीं जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इसी पर आने वाली थी कि जॉनसन एंड जॉनसन ने आज ये बात भी बोली है कि आपको, अगर आपने एक वैक्सीन का एक शॉट ले लिया है, तो आप 8 हफ्तों, माफ कीजिएगा, 8 महीनों के लिए आप कोरोना से इम्यून हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बन जाती है 8 महीनों की, तो ये उनका दावा है। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जो अगर हम कोरोना की बात करें, तो जिस फैमिली का वायरस है ये, उस फैमिली के वायरसेस इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी होते हैं, और टिपिकली हमने देखा है कि हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस का एक नया वेरिएंट आ जाता है, और जो उस साल बनाई गई वैक्सीन होती है, वो पिछले साल वाले जो वेरिएंट होता है, नया वेरिएंट, उस पे इनफेक्टिव हो जाती है। तो कहने का मतलब, ये जो इम्यूनिटी है, किसी भी हालत में, चाहे आप नेचुरल एंटीजन से लें या आर्टिफिशियल एंटीजन से लें, वो आपकी इम्यूनिटी 6 से 9 महीने से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। क्यों? इसकी दो वजह हैं। पहला तो आपका शरीर स्वयं, क्योंकि एंटीबॉडीज सिर्फ इम्यूनिटी नहीं देती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एक चीज़ होती है, जी जो अगर लंबे समय तक रहे तो ज़्यादा काम करती है। लेकिन अगर वायरस का प्रतिरूप ही बदल गया, वायरस का स्वरूप ही बदल गया, तो आप, जैसे मैं बोलता हूँ, इम्यून स्केप मैकेनिज्म, जो हम डेल्टा प्लस वेरिएंट में जिस म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, वो म्यूटेशन इस वेरिएंट को इम्यून स्केप करने में, मतलब जो स्पाइक प्रोटीन डिटेक्टन सिस्टम है, उसको स्केप करने में मदद करता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम ही भ्रमित हो जाएगा, तो बीमारी को अपने अंदर पनपने से रोक नहीं सकते। तो यही एक वजह है जो मैं जॉनसन एंड जॉनसन के इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, लेकिन अभी जाइडस कैडिला की एक वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसको उन्होंने प्लाज्मिड वैक्सीन बोला है। बेसिकली ये फर्स्ट डीएनए वैक्सीन है, इसके पहले की जो भी वैक्सीन है वो आरएनए वैक्सीन है। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए वैक्सीन पहले से इस्तेमाल नहीं हो रही, डीएनए वैक्सीन 1984 से इस्तेमाल हो रही है, कई वायरसेस के खिलाफ बनी है। तो जो प्लाज्मिक बेस्ड डीएनए वैक्सीन है जाइडस जी कैडिला की, इसके बारे में इनका कहना है कि ये एक प्रकार से मॉलिक्यूल इंजेक्टर के साथ आ रही है, इसमें आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, नीडल लगाने की जरूरत नहीं है, और इसके 3 डोजेस लेने होंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक ऐसी वैक्सीन मिल रही है जिसमें आपको सिरिंज का और नीडल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली आदमी के स्किन पे आप प्रोब रखिए, वैक्सीन लग जाएगी। क्योंकि प्लाज्मिड बेस्ड वैक्सीन है और जीन थेरेपी बहुत पहले से काम हो रही है, इसलिए डीएनए वैक्सीन क्रेडिबल भी हैं। तो कुल मिला के जो एक और नई वैक्सीन है, ये वैक्सीन, मुझे लगता है ये भी सब मिला के जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग चल रही है, उसमें बहुत मददगार साबित होने वाला है। बॉटम बिल्कुल लाइन लेकिन कीर्ति जी यही है जी कि हम सिर्फ वैक्सीन के भरोसे कोरोना से जंग जीतने की बात नहीं कर सकते,
क्योंकि हम कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना सिर्फ एक बायोलॉजिकल वेपन, एक बायो लैब से लीक हुआ वायरस था। इसके जैसे 10-12 और वायरसेस थे जिन पे वहां रिसर्च चल रही थी, डॉक्टर और राजेश, जिस लेकिन प्रकार आप का लगातार एग्रेशन ये बात कह रहे हैं वैक्सीन से 2-3 महीनों तक की आपको इम्यूनिटी मिलती है अगर हम इसको मान ले, तो यानी कि जी जिन्होंने अगर 2020 में अगर वैक्सीन लगवाई होगी लास्ट में या फिर उससे पहले लगवाई होगी, दोनों डोजेस लिए होंगे, तो जी क्या उनको दोबारा जी से 2021 में फिर से वैक्सीनेट होने की जरूरत पड़ेगी? यानी कि हम ये मान के चले कि जो पहला बैच वैक्सीन ले चुका है होगा उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जी जाएगी, फिर तो उन्हें दोबारा लेने की जरूरत पड़ जाएगी। जी कीर्ति जी, मैं आपके जवाब पे आऊंगा। उसके पहले मैं एक बात कंप्लीट कर दूं। जी जिस प्रकार से कल हमने जो चाइना के जो शीर्ष नेता हैं शी जिनपिंग को सुना कि जी उन्होंने किस प्रकार से एग्रेसिव एक लैंग्वेज में बाकी के देशों को, देखिए कोरोना शुरू चाइना से हुआ था लेकिन सबसे ज्यादा मौतों की अगर हम बात करें तो 4 लाख से ज्यादा मौतें भारत में हो चुकी हैं, एक ऑफिशियल डाटा है। चाइना में शुरू हुआ और उसके बाद भी चाइना में इतनी तेजी से नहीं फैला, लोग नहीं मिले, हो सकता है उन्होंने अपना डाटा नहीं शो किया हो या क्या किया है क्या नहीं किया ईश्वर जाने। लेकिन जो मूल बात है वो निकल के कीर्ति जी आती है कि सबसे ज्यादा जो कोई पड़ोसी परेशान हुआ है इससे वो भारत है, और जिस प्रकार से बार बार एग्रेशन चीन दिखा रहा है, और हमारा एक जो हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग है जैसे हम बोलते हैं कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है हमारी 70% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वो चाइना से आते हैं, तो हमारी बहुत हद तक डिपेंडेंसी अभी भी चाइना पे बनी हुई है। जी तो ये जो कुल मिला के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक चक्र है, कुचक्र है, उसमें हमारा देश फंसता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपकी पहले सवाल पे आता हूँ कीर्ति जी, आप कह रही थी कि जो जो इम्यूनिटी है वो कितने दिन तक रहती है, तो कीर्ति जी इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे सकता हूँ। अक्टूबर में मुझे कोरोना इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई थी क्योंकि मुझे लगा कि इन्फेक्शन होने के बाद आपको जो इम्यूनिटी मिलती कम से कम 3 से 6 महीने तक रहती है, और 6 महीने बाद दोबारा फिर मुझे इन्फेक्शन हुआ कोरोना वायरस से। तो जो ऑब्जर्वेशन है ना सिर्फ मेरा, बाकी जो मेरे और भी साथी डॉक्टर्स हैं जो और साइंटिफिक लोगों से, उनका ये है कि जो इम्यूनिटी होती है चाहे आप वैक्सीन यानी कि जो एक दूसरा एंटीजेनिक सब्सटेंस है वो लेके लो या फिर खुद वायरस से, वायरस भी आपको एक एंटीजेनिक रिस्पॉन्स देता है या वायरस से आपको इम्यूनिटी मिले, तो वो भी 6 महीने से ज्यादा किसी भी मामले में नहीं टिकती। अब हम बात करें अगर भारत की, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम मान लें कि ये लगभग 100 डिब्बे की एक ट्रेन है और हर डिब्बे में 1,000 लोग हैं और आपको वैक्सीन भरने के लिए हर डिब्बे में 10 पंप हैं, तो जब आप एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे तक वैक्सीन देने पहुंचोगे तब तक जो शुरुआत के डिब्बे हैं जिनमें आपने पानी भरा था उसके लोग उसको कंज्यूम करके खत्म कर चुके होंगे। कहने का मतलब एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास एक पूरा ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें पूरे देश में क्रेडिबल इम्यूनिटी हो या हर्ड इम्यूनिटी है जैसे हम बात करते हैं। तो इस संबंध में दो बाधाएं थी। पहली बाधा कि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन था काफी कम है, आने की उम्मीद है कि हो सकता है अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में वैक्सीन प्रोडक्शन हमारा कई गुना बढ़ जाए, कई करोड़ों में बढ़ जाए। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि बूस्टर डोज देने की, आप देखिए कीर्ति जी हर व्यक्ति को इंजेक्शन लगाना, उसमें 2 मिनट का टाइम लगना, वैक्सीन रिकंस्टिट्यूट करना, ये सब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। जिस प्रकार से जाइडस कैडिला की वैक्सीन आई है कि इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रख सकते हैं, एक सबडर्मल इंजेक्शन है जिसको मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्टलेस वैक्सीनेशन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन आ पाए कीर्ति जी जो हम नाक के रास्ते से, जिसे हम नेजल वैक्सीन कहते हैं, जैसे हमने देखा कई सारी दवाएं स्प्रे के फॉर्म में आती हैं, आप नाक में स्प्रे दो और उसके बाद वो दवा काम करती है, तो अगर कोई ऐसी नेजल वैक्सीन आ जाए जिसपे काम करना चाहिए, मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल डिफेंस है या जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, अगर उस पर कोई काम करे तो एक वो वैक्सीन वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं जिसको आप नेजल स्प्रे के फॉर्म मिले, जैसे आपके पास डिओडोरेंट स्प्रे होता है। तो इससे आप दो फायदे होंगे, एक तो क्योंकि वायरस आपके शरीर में नेजल रूट से एंटर कर रहा है तो आपको लोकल इम्यूनिटी मिल जाएगी कि आपको वायरस का कैरियर बनने की आशंका खत्म हो जाएगी, जो कि प्रेजेंट वैक्सीन में नहीं है। प्रेजेंट वैक्सीन ये कहती है कि हम आपको इम्यूनिटी तो दे सकते हैं लेकिन वायरस का कैरियर बनाने से हम आपको नहीं रोक सकते, एक तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, अगर हमें लोगों को जल्दी बूस्टर डोज देना है तो स्प्रे देना ज्यादा आसान होता है, आपने रखा दबाया हो गया काम, आप 1 मिनट में 3 से 4 बिल्कुल, को बिल्कुल डॉक्टर दे सकते। राजेश जो आपने कहा नेजल के थ्रू ये जरूरी भी हो जाता है, साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी, समय की थोड़ी कमी है, आखिरी क्वेश्चन आपसे यही है कि पेशेंट्स जो अभी आपके पास आ रहे हैं उनके अंदर आप किस तरह की परेशानियों को देख पा रहे हैं, कौन सी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो आप अभी फिलहाल जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर किस तरह से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, जो लोग सीवियर कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनका
कोविड निमोनिया जैसे बोलते हैं लंग अफेक्शंस ज्यादा था। देखिए 90% केसेस तो एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शंस थे जिनमें लोगों को कोई खास फर्क नहीं हुआ, हल्की फुल्की सर्दी खांसी जुकाम इसी टाइप का था। 10% केसेस में लंग इन्फेक्शंस था, लंग अफेक्शंस थे। तो जिन जिन लोगों में ऐसा हो चुका है उनको अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। ऐसे लोगों के जो लंग्स हैं वो काफी हद तक सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव का मतलब कि वो संवेदनशील हो जाते हैं। नॉर्मली अगर वातावरण में परिवर्तन होता है या मौसम में बदलाव होता है, तेजी से बदलाव होता है, बारिश होती है, ठंड बढ़ती है, तेजी से गर्मी होती है, तो हमारे फेफड़े इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा होता है उनके फेफड़े सेंसिटिव होते हैं और उनमें प्रॉब्लम होती है। तो जो ये कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट काफी कुछ ऐसे ही सेंसिटिव शो कर रहे हैं जैसे एस्मा पेशेंट्स के होते हैं। तो इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, अभी मास्क पहनने की आवश्यकता है। अगर आप हो सके तो जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उनमें मत जाइए। धूल और गंदगी में बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से फंगस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इनको अवॉइड करें। और बेस्ट यही होगा, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से सबसे गुजारिश यही करूंगा कि साहब कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी कम से कम 3 से 6 महीने तक धैर्य और रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो अभी बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अच्छी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आपने जाना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो और भी ज़्यादा डेल्टा से घातक है, तो इस समय लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास V3 की इम्यूनिटी है जो है कि वैक्सीन हमारा और मास्क साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी आपको बना के रखनी है। तो ये जो वी फॉर्मूला है इसको अपनाए रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, साथ ही साथ वैक्सीन ज़रूर लीजिए और हाँ खुद को सिक्योर रखिए, अपने परिवार को सिक्योर रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।